बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, आज हमने डिस्कस करना है, हमने जो पाम की आर्टरीज थी वो डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने सुपरफेशियल पाल्मर आर्ट डिस्कस की और हमने डीप पाल्मर आर्ट जो है वो डिस्कस की। ठीक है, अब हम वेंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो आपकी पाम की वेंस हैं। ये जिस तरह आपके पास सुपरफेशियल पाल्मर आर्ट है, इसी तरह आपके पास डीप सुपरफेशियल पाल्मर जो वेनस है वो भी आर्च मौजूद है। और जिस तरह सुपरफेशियल के बाद आपका डीप होता है, डीप पाल्मर आर्च, इसी तरह डीप पाल्मर आर्च वेनस ड्रेनेज के लिए भी मौजूद है। ठीक है, आर्टेरियल जिस तरह है उसी तरह, बिल्कुल उसी नाम से उनकी भी आगे से इसी तरह ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो कि डिजिटल होती हैं, जो डिजिटल वो रिसीव करती हैं और फिर वो डीप बना लेती हैं और सुपरफेशियल और अल्टीमेटली ड्रेन हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लिम्फेटिक्स पे आ जाते हैं। तो लिम्फेटिक्स में आप देखें कि जिस तरह हमारे पास ये सुपरफेशियल हैं, पहले बल्कि इसको छोड़ें, पहले हम पाम की डिस्कस कर लेते हैं। पाम की जो हमारे पास, पाम से भी पहले हम फिंगर्स पे आ जाते हैं जनाब, फिंगर्स का पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ से जो लिम्फ है वो पाम से, यहाँ से लिम्फ जो है वो यहाँ पर जाएगा, यूं वेब में, और वेब से ये पीछे जाएगा, पीछे मतलब डॉर्सम ऑफ दी हैंड के ऊपर। ठीक है, यहाँ से भी सारा सब फिंगर्स का अल्टीमेटली डॉर्सम में चला जाएगा। ठीक है, डॉर्सम ऑफ दी हैंड में, यानी कि इस साइड में। ठीक है, यहाँ से यूं फिंगर्स में यहाँ से गया यहाँ पे और यहाँ से इधर आ गया। ठीक है, और अब हम डिस्कस कर लेते हैं पाम का। जो पाम है ना, इसका हमारे पास एक यहाँ पर प्लेक्सस बनता है। ठीक है, लिम्फेटिक वेजल्स का प्लेक्सस बनता है और वो अल्टीमेटली जो है ना वो डॉर्सम ऑफ दी हैंड में आ जाता है। वो कैसे आता है, सपोज़ के ये पाम नहीं है, ये डॉर्सम है, डॉर्सम ऑफ दी हैंड है। ठीक है, पीछे वाली साइड जो पाम थी, तो ये जनाब यहाँ से आ रही होती है वेजल, यहाँ से आ रही है, यहाँ से भी आपने देखा आ रही, यहाँ से भी देखा आ रही, यहाँ से भी देखा आ रही और यहाँ से भी आ रही है, और ये सारी आपके डॉर्सम के ऊपर आके जो है ना वो प्लेक्सस बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम फोर आर्म में। फोर आर्म में हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास मीडियली जो है वो बेसिलिक प्रेजेंट है वेन, और लैटरली आपकी सिफालिक वेन प्रेजेंट है। अब मीडियली बेसिलिक के साथ साथ जो है ना वो लिम्फेटिक वेजल्स ने रन करना इधर से उसके साथ, सिफालिक के साथ। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना, ये हमारे पास सुप्रा ट्रोक्लियर हमारे पास लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं, जिनको हमने पहले डिस्कस किया था, या फिर इनको क्यूबिटल लिम्फ नोड्स भी कह सकते हैं, एक होता है या दो होते हैं ये। ठीक है, तो बेसिलिक इसमें जाती है और फिर यहाँ से ऊपर जाती है और जनाब ये जनाब लेटरल जो आपके एक्जलरी लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर ड्रेन हो जाती है, और जो आपकी लेटरली है, ये तो मीडियल की बात ही ना बेसिलिक की, सिफेलिक जो हैं उसने किधर जाना है, उसने जनाब जाना है इन्फ्राक्लेविकुलर में, इन्फ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं और ये जो हैं ये अल्टीमेटली ये भी आके ड्रेन कर जाते हैं लैटरल लिम्फ नोड्स के अंदर, एक्सिलरी लैटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। ठीक है, ये हमारी पूरे अपर लिम्फ की जो है ना वो लिम्फेटिक ड्रेनेज और वेनस ड्रेनेज हमने दोनों देख ली। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।